आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। कमलनाथ के गढ़ में कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर हमला, बोले छिंदवाड़ा से होगा बीजेपी की जीत का आगाज। जीतू पटवारी का बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप, छापे के बाद 21 फर्म्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर दिया करोड़ों का दान। इंदौर की गोवा की तरह रेबीज फ्री सिटी बनाने की तैयारी, शहर भर के लगभग 50,000 आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी। मध्य प्रदेश में पात्र अपात्र कॉलेजों के नर्सिंग स्टूडेंट्स को परीक्षा देने का अंतिम मौका, एमपी हाई कोर्ट का अहम आदेश। लोकसभा चुनाव की वजह से बढ़ सकती है एमपीपीएससी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख, 28 अप्रैल को होनी है परीक्षा। उज्जैन के बड़नगर में किसान नेता की हत्या, लहसुन की रखवाली करने के दौरान रात में अज्ञात बदमाशों ने बेरहमी से पीटा। राजगढ़ में एक शराब प्रेमी का अजब प्रदर्शन, शराब की बोतल पर प्रिंट रेट से अधिक वसूली पर पेड़ पर चढ़ा युवक। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में होगी भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि, मार्च में तीसरी बार मौसम विभाग का अलर्ट। शहडोल जिले में बेमौसम बारिश ने किसानों को रुलाया, बारिश के साथ ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलें। बुरहानपुर के धूलकोट में आदिवासियों के भगोरिया हाट की धूम, बीजेपी सांसद और विधायक ढोल मांदल बजाकर थिरके। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें, अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।